राजनीतिक विषय को लेकर सवाल है और राज्यपाल के लिए सबसे बड़ा परहेज कोई होता है तो राजनीतिक गतिविधियों पर अपने विचार व्यक्त करना। राज्यपाल की एक गरिमा होती है संविधान के तहत और उस भूमिका में जो हो रहा है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये निश्चित तौर पर जो वहाँ हो रहा है वो सब लोग देख रहे हैं और उसके आधार पर अपने अपने राय बनाएंगे। ये राय लोगों ने बनाई है, ये राय मतदाताओं ने बनाई बनानी है, अभी तक होता होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मेरे उस पर कोई राय नहीं। तो जहरीली शराब से कई लोग मर गए प्रदेश में, अब शराबबंदी की भी बात आप सरकार के लोग ही उठाने के लिए, एज ए राज्यपाल आप क्या कहेंगे कि ऐसे क्या रोक दिया जाए? ऐसे गंभीर विषय पर निर्णय लेने का काम राज्य सरकार का है, विषय गंभीर है और ये बात ऐसी नहीं है कि पहले दफे इस प्रकार से हुआ है, लेकिन शराब, बेकानून शराब और जहरीली शराब ये सभ्य समाज के लिए अभिशाप है और उसमें कठोर कार्रवाई जो की है उससे और अधिक जो होगा वो भी करना चाहिए। ऐसे मेरे विधायकों को धमकी मिल रही है, सरकार को जाएगा क्या सजेस्टिव नोट? अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वो आज के लिए आपको अच्छी खबर होगी जो मैं स्वयं आपको बता देता हूँ। आपको मालूम है कि यहाँ के विश्वविद्यालय का नाम इसके साथ जुड़ा है, महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ जुड़ा है और अब तक नाम वहाँ लिखा है बोर्ड पर, लेकिन उनकी प्रतिमा नहीं थी, वो प्रतिमा बनी है, आई है, उसमें मेरा भी एक अपने ढंग से योगदान दो कारणों से है। एक इस कारण से है कि महात्मा फुले जी वैसे महाराष्ट्र के थे, केवल महाराष्ट्र के नहीं थे, और जो मूर्ति बनाने वाले हैं उत्तम पाचार ने, वे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं